सबसे पहले तो मेरी तरफ ते सारे भाई बहन चाचे चाची दादे दादी यार दोस्त मित्र रिश्तेदार जो भी इतना प्यार दे रहे हैं इतनी सपोर्ट दे रहे हैं सबको मेरी तरफ ते राम राम नमस्कार। तो आज मैं इस वीडियो में मेरा चाहे वो इंटरव्यू लगा लो चाहे इंट्रोडक्शन ला लो। तो भाई मेरा नाम राकेश पुनिया है और कोयल जो मैं आईडी के पीछे लगाता हूँ वो मेरा गाँव है। ये मेरा गाँव डिस्ट्रिक्ट जींद में है और तहसील मेरी नरवाना है और जींद से मेरा गांव करीब करीब 65 किलोमीटर दूर है। पंजाब साइड पंजाब बॉर्डर भी है लगभग मेरा गांव तो। और नियर भाई मेरा कैथल भी नज़दीक ही है 30-32 किलोमीटर है कैथल। तो ये है भाई। और जो जो पेस्टिसाइड की दुकान है या धनोरी में है मेरे गांव से 2-3 किलोमीटर पड़ता है धनोरी गांव। यहाँ पे दुकान है जो मेरे एक चाचा जी हैं वीरेंद्र पुनिया उनके साथ ये दुकान है। तो कुछ ज़्यादा कुछ इतना मैं मीडियम सी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और तो भाइयों यहाँ पे मेरे वीडियो बनाने का भी कोई खास वो नहीं कि मैं आप लोगों का प्यार इतना मिलता है कि बनाता गया। मैं पहले टिकटॉक पे वीडियो बनाता था तो वहाँ पे लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहता था। और एक बात बता दूँ आपको एक बात बता दूँ आप लोगों ने तो भाई वो टिकटॉक पे वीडियो बनाया करता तो उसमें ये निकंदा मुझे भी फील होता है। अब चल हरियाणा में मैं बोलूँगा उसमें ना तो मैं पूरी हिंदी बोल सकता और ना हरियाणा में तो इस तरह अच्छा तो मैं हरियाणा में बोलूँगा। तो भाई बात इसी है ओडा में वीडियो बनाए करता तो मैनू नहीं कहता कि वो 100 की 100 सही थी। मैं वीडियो देखूं मेरे सामने भी कोई न कोई भेज दे वीडियो मेरा आगे आ जाए या कहीं से सेव कर लिया या कहीं यूट्यूब पर कहीं पड़ी होगी कुछ भी तो भाई उसमें 100 की 100 नहीं कहता मैं 100 के वो मेरी नज़रों में शायद वो गलत थी। एक नहीं काफ़ी सारी वीडियो हो सके वो गलत थी भाई मैं मानूँ उसके लिए माफ करियो। पर वो जो अब यहाँ पे वीडियो बना रहे हूँ मैं शुरू शुरू में शायद इस पे भी गलत बनाई हूँ। गलत का मतलब बिल्कुल कभी भी मैंने डायरेक्ट कोई गलत वर्ड यूज नहीं करया पर हो सका लोगों के नजरिए से और मैं भी देखूँ तो उसको गहराई से देखूँ तो हो सका वो गलत थी। पर जो आज वीडियो बनाता हूँ मेरी उससे भाई मैं 100 की 100 बिल्कुल 100 को 101% सही बनाने की कोशिश करूँ और सही बनाता हूँ। फिर भी लोगों को काफी सारे कमेंट आते हैं कि भाई उस गरीब का ये मजाक बना रहा है उसका ये कर रहा है वो आते हैं और आते भी रहेंगे भाई। वो हो है हर कोई चाहे इतने कोई ऊपर जाओ कोई नीचे हो चाहे कुछ भी हो हर किसी के कोई ना कोई खिलाफ बोलने वाले हुए हैं पर होते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता भाइयों। और तो मेरा यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ भाई और कैसी बनाऊं कैसी नहीं बनाऊं वो तो आप भी जानो। सच्चाई ये है भाइयों कि मेरी उस तरह तो मैं ऐसी वीडियो बनाऊं कि भाई थम तो बाद में देखो उस तरह पहले मेरे घर वाले देखें मेरी बहन देखें मेरे रिश्तेदार देखें मेरे घर के देखें सब देखें मेरे गांव वाले देखें आस पड़ोस वाले देखें। तो भाई इसी वीडियो बनाने से पहले न्यू सोचूं अगर कोई वीडियो बनाऊं और कोई बड़ा अपने पापा दादा की उम्र का कोई ये बोले कि भाई छोरे तनाव है श्रम तो इस तरह की वीडियो बना रहा तो भाई वो वीडियो कोई बनाना नहीं भाई वो तो मरना हो गया। पर मैं इससे अच्छा तो ठीक है जब कम है कम फेमस हैं कम फॉलोवर हैं जो भी हैं यार ये कम नहीं है भाई मेरे लिए तो बहुत हैं। पर दिल से सपोर्ट हैं जितने हैं वो अच्छी सपोर्ट करते हैं सबका दिल से धन्यवाद है सारे भाइयों का सभी का। तो और मैं वीडियो बनाने का और क्या बताऊं आपको भाई बहुत से बोलते हैं कि आप बिहारियों में वीडियो बनाओ भाई बिहारियों में वीडियो बनाऊं तो मैं मेरा ये मकसद नहीं कि बिहारियों मेरा मकसद ये है बिहारियों में वीडियो बनाने का। देखो मेरे एक कल्ले के मकसद से तो ये नहीं है कि भाई फर्क पड़ा कुछ हरना पड़ना वाला हरना पड़ता क्योंकि मेरा यही है भाई बिहारियों में वीडियो बनाने का कि लोग देखें इस वीडियो ने थोड़ी सी शर्म फील करें कि हाँ भाई उसने यह बोल रखी थी और उस तरह थोड़ा हाँ बंदा खुद काम धंधा करने की सोचा है अगर काम धंधा कराएगा तो अच्छा होगा तो यार रिश्ता यहीं ऐड हो जाएगा। अब वहां लोगों के मन में यूं रहा है
भाई ना पढ़ा ना लिखा ये तो, और चल काम धंधा भी नहीं, क्यों नहीं 50-60 हज़ार में जाए आ जाएगी वो भी अपना काम, घर रोटी पानी चाह पानी का अपना करने, काम धंधा करने आ जाएगी, बस ये लग सोच रहा है बहुत से लोग हैं। तो भाई मेरा मकसद तो ये है कि मतलब भाई इस सोच तक कह कि मिले हाँ भाई उरे अच्छा थोड़ा बहुत, चाहे कोई 8-10 हज़ार 12 हज़ार की कोई सही से नौकरी भी करे तो फिर भी मिले ऐसी बात नहीं, भाई रिश्ता हो जाए। वो तो गांव वाले जज करते हैं कि मिले हाँ वो फलाना का लड़का इस तरह का या वह मिले ऐसे, बस यही मैं सोच का वीडियो बनाऊं भाई नूनी की मिले हाँ भाई मजाक के करने का वो रहा मेरा कि भाई किसी ने किसी तक पर्सनली कोई दुश्मनी कोई, और ये वीडियो बनाने का भाई मेरा मकसद ये, मैं जो भी है भी वीडियो बनाऊं भाई गाने पे बनाऊं के अपने थोड़े बहुत कुछ चुटकला या सी कुछ भी बात कहूं, तो मेरा वीडियो का यही मकसद है भाई। मेरी वजह से दो भाई और ऐस ले हैं, थोड़ा सा उनका भी टाइम पास हो जाए, मनोरंजन हो जैसे, ज्यादा कुछ नहीं भाई कि मैं और खास किसी तभी ना। अच्छा टिकटॉक चलाया करता पहला, वहां पे थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन थोड़ा किसी से हो भी जाता था, मैं ले यार चलो हो जाएगा कोई ऐसी कोई बात नहीं भाई, किसी से मेरी पहले भी दुश्मनी थी और आज भी दुश्मनी है, किसी से कोई मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना कोई गिला शिकवा ना मुझे किसी से कोई मतलब भाई कि मैं ले हाँ वो ऊपर क्यों है वो नीचे क्यों है वो वहां चला गया यहाँ कोई नहीं, वो सब अपनी जगह सब सही है भाई, आप अपनी जगह सही है, किसी से कोई वो नहीं है कि मेरे वीडियो बनाने का मकसद कि किसी को नीचा दिखाना कि उसकी गरीबी को लेकर ही, कोई ऐसा कोई मामला नहीं है भाई। जो वीडियो बनाता हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरा खुद का मनोरंजन और आप लोगों का मनोरंजन टाइम पास, बस यहीं तक यही वीडियो बनाता हूँ। और भाई क्या क्वेश्चन हो सकते हैं कि मैं जो भाई थारे मन में हो। अच्छा तो भाई अच्छा मेरी मैं कई बार ऐसे इतना कुछ भी भले थारी नजर में लगा है कि इतना मैं ये हूँ वो हूँ, कुछ नहीं भाई कि ऐसा कुछ नहीं है, जो हूँ सामने ही हूँ, पर ना कोई अवर शो करता और ना अवर कुछ शो करने के लिए है भी नहीं मेरे पास इतना कुछ, पर जो है भगवान ने दिया है ठीक है अच्छा है, अच्छा काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की भी। मेरे अंकल हैं जो उसके मेरे साथ फुल सपोर्ट है, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, और क्या बताऊं मैं आपको। तो और वीडियो को लेकर भाई मैं जो ये वीडियो बनाऊं देखो घर वाले की कोई सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है, घर वाले नहीं कहते कि मैं ले हाँ ये क्यों करे तू ऐसा ऐसा, मैं ले घर वालों को बिल्कुल भी वो नहीं है, फिर भी मैं ले अब मैं घर वालों के ऊपर से लगा लो चाहे मैं कैसे भी अरब बनाता हूँ तो, पर मैं बस यही सोच के बनाऊं कि मैं इसी भी कोई गलती ना हो कि मैं भाई घर वाले अंदर भी कोई बाहर का ये बोल ले छोरा न्यू बनावे न्यू कवे इसी बात कवे कोई सुन नहीं सकता न्यू भाई, आप जो वीडियो फिलहाल में बना रहे हैं और जो पहले कोई बनी है आपके आगे आई होंगी कोई वीडियो हो सके उसमें थोड़ा बहुत गलत, उसके लिए तो मैं बार बार माफी चाहता हूँ, पर अब जो वीडियो बनाता हूँ भाई देखो इंसान स्टेप टू स्टेप जैसे मैं आगे चला जाए तो मैं थोड़ी थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा समझता हूँ भाई मैं अब, मैं वो वीडियो क्या थी वो उसको कौन सुन सका था कौन नहीं, मैं हालांकि गलत नहीं फिर भी मैं आप लोगों के नज़रिए से बोलूँगा जो चाहिए 1% गलत है वो गलत है, और अब मैं जो वीडियो बनाता हूँ भाई मेरी उससे तो मैं 101% सही बनाता हूँ, फिर भी हो सका कि लोगों के माइंड से या मैं लोगों के देखने का नज़रिया हो सके वो अब भी गलत हो, अब जिसको गलत लगा मैं उनसे भी दिल से सॉरी बोलता हूँ भाइयों को, और भाई एक तो गलत कमेंट मत किया करो, और ऐसा कुछ नहीं कि भाई मैं किसी गरीब का मजाक का ऐसा कोई कोई ऐसा मैटर नहीं है। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा भाई बहुत बढ़िया फील हो है जब कोई अपना था बड़ा अपना बराबर का या अपने पापा की एज का जब बोला बेटा बहुत अच्छी वीडियो बनावे है फुलां सी आवे हम देखा सारे सारे घर के देखें, तो बहुत अच्छा फील हो भाई और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, और आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे तो बहुत आगे जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे, पर लास्ट में बार बार यही कहूंगा तो भाई कोई ये मत सोचना किसी को पर्सनली टारगेट करूं या किसी से कोई दुश्मनी है किसी से मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है, लव यू ऑल बाय बाय दोस्तों, कुछ और पूछना रह गया हो तो कमेंट कर दियो उसमें रिप्लाई दूंगा, और रही बात भाई यहाँ पे
आप कई बंदे सोच जाओगे कि रिप्लाई नहीं दे, इग्नोर करे रहना भाई, मजबूरी हो जाए, मजबूरी ये हो जाए कि मतलब इतने मैसेज आ जाएं, अब किसी का मैसेज खोल लिया सीन करके रिप्लाई ना दे तो वो गलत हो जाए। फिर अगर सीन कर लिया उसका रिप्लाई दे दिया कि भाई कैसे हो, भाई ठीक हूँ, तो जो और घर परिवार सब कैसे, मतलब सब कुछ पूछेगा भाई, वो पूछेगा वो तो यार उसको, अब किस किस का भाई ऐसे रिप्लाई देवा, किस का नु मतलब इस बात में फील मत करया करो भाई, रिप्लाई नहीं देंदा नु, और मैं ना ये फॉलो फॉलो अनफॉलो वाली बात सोचता कभी भाई, इसमें कितने मेरे अभी थोड़े से मैंने कम करे हैं, जो मन नए मैं तो फॉलो कर रहा हूँ, तो वो मन अनफॉलो कर रहे थे, वो मैंने थोड़े कम करे हैं, नहीं भाई मैं जिसमें फॉलो वालों के भाई हाँ जीरो कर लिए, 10 रख लिए, 20 रख लिए, ऐसा कुछ नहीं भाई। देखो आपने ना इन चीजों का कोई फर्क पड़ता, गन हरे नुगा जीरो फॉलोइंग कर ले, आईडी ऊपर जावेगी, वायरल होएंगी वीडियो और नूर नू, ऐसा कुछ नहीं भाई। मैंने सब ये एक उदाहरण है मेरी आईडी का कि देखना, अभी मैंने 4,4400 फॉलोअर थे, अभी फिलहाल 3,000 समथिंग रह गए कुछ, तो मैंने उनको अनफॉलो कराया, जो मैं उन्हें फॉलो करूँगा, मन्ने नहीं करते, मन्ने अनफॉलो कर रहे हैं बस यही बात है। और मले भाई कोई किसी तरह का आपने इतना प्यार दे रहे हो दिल से, बात आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, रहसे देते रहो भाई। अपना चैनल है अपना, इसको सब्सक्राइब कर रहे हो, इस पे मैं और वीडियो डालता रहूँगा। अब मले क्या पता यार, अभी इस पे इंस्टाग्राम पे बहुत सारी ऐसी कंडीशन होने लग रही है कि मले भाई किसका भी, मेरा मेरा नहीं, जैसे मेरा भी भाई 90 दिन के लिए अकाउंट वो कर दिया उन्होंने, हटा दिया। वैसे वीडियो तो चलती रहेंगी पर 90 दिन के लिए मैं उनके उसमें नहीं हूँ, अंडर में, तो कब तक अब कोई सी मिस्टेक हो जाए और अकाउंट बंद हो जाए तो भाई यहाँ सब्सक्राइब कर लियो, और वहाँ नहीं तो यहाँ वीडियो तो मिलती रहेंगी भाई आप लोगों को, आप लोगों का मनोरंजन होता रहेगा। शुक्रिया।